असलर्स वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली वालू एक बहुत ही मज़ेदार सी बीफ स्मोक्ड बिरयानी की रेसिपी मस्ट ट्राई इट आउट बिकॉज इट्स गोना टर्न आउट अमेजिंग सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट द रेसिपी सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप है हमारी मैरिनेशन हमने बीफ ले लिया सेवन फिफ्टी ग्राम्स अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे टू फिफ्टी ग्राम यानी कि एक पाव दही उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ शान का बॉम्बे बिरयानी मसाला ये वन के जी राइस की रेसिपी है इसलिए वन पैकेट ऑफ बॉम्बे बिरयानी मसाला इज़ अनफ अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ फाइव सिक्स ड्राइड प्लम्स यानी कि आलू बुखारे अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर हम यहीं पर ऐड कर देंगे नमक नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं आई एम एडिंग टू टी स्पून अब इसको मैरिनेट करके हम रख देंगे एटलीस्ट फॉर टू आवर्स और अगर आपके पास कम टाइम है तो जिस आपकी अनियन फ्राई होगी उतना टाइम भी अनफ है उसके बाद एक पैन में ले लेना है हमने तकरीबन एक पाव के करीब तेल उसके अंदर जब तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा हम ऐड कर देंगे कुछ होल स्पाइसेस जिसमें है ज़ीरा बड़ी इलायची दालचीनी काले मिर्चें और लौंग उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे एक पाव के करीब ही प्याज जिसको मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया है अब इसको हम ब्राउन कर लेंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे टू टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट अनियन को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना बहुत ज़्यादा वाइट uh, नहीं छोड़ देना बस एक uh, प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो दैट वुड बी अनफ उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हमारा जो मैरिनेटेड बीफ था इसको दो मिनट के लिए ऐसे पका लेंगे अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे एक पाव के ही चॉप टमाटोज उसके बाद जो मेरा योगर्ट वाला और योगर्ट और बिरयानी मसाले वाला जो हमारे पास बोल था उसके अंदर थोड़ा सा पानी लेके डाल दिया बाकी हमारे गोश्त का पानी भी निकलेगा उसी में ये हमारा जो गोश्त है वो टेंडर हो जाएगा इन केस इफ यू योर नारी तो आप इसको प्रेशर कुकर में भी थर्टी मिनट्स के लिए स्टीम दे सकते हैं दैट्स योर चॉइस बस लेट इट कुक एंड टिल द टाइम इट गेट्स टेंडर आई हो न हारी तो मैंने इसको जल्दी से प्रेशर कुकर में स्टीम दे दिया था इतनी वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद तो आई थॉट कि आपके साथ प्रेशर कुकर वाली लोग ही शेयर कर लूँ थर्टी फाइव मिनट्स के स्टीम के बाद हमारा भी बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है ऑयल सेपरेट हो चुका है इसको थोड़ा सा भूनने के बाद अब ये हंड्रेड परसेंट रेडी था तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है टू टेबल स्पून के करीब रोज़ वाटर इसको मिक्स किया है और फ्लेम को ऑफ कर दिया है दैट्स एट वी आर डन विद द बिरयानी मसाला सो लेट्स मूव टू द राइस चावलों को बॉयल करने के लिए हमने ले लिया है एक पैन में पानी उसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपने गर्म मसाले सारी चीज़ों की क्वांटिटीज़ मैं एंड पे रेसिपी कार्ड में भी मेंशन कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगी आप वहाँ से देख सकते हैं उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे नमक नमक मैंने ऐड किया इसके अंदर तीन से चार टेबल स्पून उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे तकरीबन थ्री फोर्थ कप के करीब घी और इस सबको हम पकने देंगे टिल द टाइम अच्छे से बबल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं आई फिर गॉट टू एड लेम्स तो मैंने इसके अंदर लेमन भी ऐड कर दिया था एक स्लाइस करके अब हमारा पानी बहुत अच्छे से पकना शुरू हो गया है तो इसके अंदर हम अपने सोक राइस ऐड कर देंगे चावलों को मैंने पहले ही अच्छे से वॉश करके भिगो के रख दिया था अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपने चावल यहाँ पर मैं स्टीम्ड राइस यूज़ कर रही हूँ आप जो राइस यूज़ करते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर हमने ऐड कर दिए हैं अपने चावल और इसको हम पका लेंगे टिल द टाइम हमारे जो चावल हैं वो तकरीबन नाइन्टी परसेंट तक कुक हो जाए अब चावलों को स्ट्रेन कर लेंगे और आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो कि है लेयरिंग सबसे पहले हमने जो हमारा बिरयानी मसाला प्रिपेयर था उसका ऑयल डालना है उसके ऊपर एक लेयर हमने डालनी है राइस की वन थर्ड रेशो हमने राइस की डाल दिया और उसके बाद उसके अंदर हम जो हमारा प्रिपेयर बिरयानी मसाला है उसकी हाफ क्वांटिटी डालेंगे उसके बाद फिर हम वन थर्ड लेयर रेशो जो है वो चावलों की डालेंगे उसके बाद जो लेफ़्ट ओवर हमारे पास हाफ था बीफ वो डाल दिया लेफ़्ट ओवर राइस डाले उसके बाद इसके अंदर मैं कुछ ग्रीन चिलीज़ ऐसे इंसर्ट कर रही हूँ फ्राइड अनियन मैंने थोड़ी सी सेपरेट रख ली थी वो मैंने ऐड कर दी उसके बाद इसके अंदर हम मिंट लीव्स ऐड कर रहे हैं और एट द एंड हम इसके अंदर फूड कलर ऐड कर देंगे फूड कलर आप येलो एंड रेड भी यूज़ कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से कोई एक भी यूज़ कर सकते हैं एंड देन हेयर कम्स द फाइनल स्टेप जो कि था स्मोक्ड इस बिरयानी का बेस्टेस्ट फ्लेवर इसको मैंने कोल से स्मोक दे दिया और इसको दम पे रख दिया फॉर एटलीस्ट थर्टी मिनट्स इसको आपने बहुत जल्दी दम से नहीं हटाना जब तक आपकी बिरयानी के ऊपर एक बहुत मज़ेदार सी स्टीम बन जाएगी लाइक like दिस तब आपकी बिरयानी डन हो जाएगी आपके जो राइस हैं वो हंड्रेड परसेंट कुकड हो जाएंगे आप इसको रिमूव कर देंगे कोल को और आपकी बिरयानी इज रेडी टू सर्व मस्ट ट्राई आउट दिस रेसिपी आई रियली 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 विश यू गाइस कैन स्मेल दिस वीडियो बिकॉज इट रियली टर्न आउट अमेजिंग इसके बाद इसको हमने सर्व कर लिया है I you final look, you must try out this recipe and share your feedback with me. See you guys soon with a new video. Till the time, Allah Hafiz.